एशिया कप 2022 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्वालिफिकेशंस की या फिर यूं कहें तो सुपर फोर की रेस अब लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। जी हां, सुपर फोर के अंदर एशिया कप में चार टीमें भाग लेने वाली हैं और उसकी एक पॉइंट टेबल अलग बनने वाली है और उसमें से टीमें जो हैं फिर फाइनल में जाने वाली, जिसका मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा। लेकिन सुपर फोर के अंदर कौन सी चार टीमें जगह बना रही है और किन दो टीमों को बाहर किया जा रहा है, पाकिस्तान का भी इसमें नाम शामिल है। आइए आपको बताते हैं पूरी यहाँ पर पॉइंट टेबल और उसमें आपको पता चलेगा कि एशिया कप की सुपर फोर की कौन सी है चार टीमें, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो खैर, हम आपको ये भी बता दें कि भारत ने हांगकांग को हरा दिया है। पाकिस्तान को हराने के बाद भारत की हांगकांग के खिलाफ ये दूसरी जीत है और इस जीत से कप्तान रोहित शर्मा बेहद ही खुश है और भारतीय टीम के लिए भी खुशखबरी आई है। जी हाँ, भारतीय टीम के लिए खुशखबरी सुपर फोर के लिए आई है। लेकिन बाकी कौन सी टीमें होंगी, कैसे पॉइंट टेबल काम करेगी, आइए आपको बताते हैं उन चार टीमों के नाम जो सुपर फोर में जगह बनाती हुई दिख रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, सुपर फोर में जाने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है पाकिस्तान टीम के बारे में। हम आपको बताएंगे क्या जगह बना पाएंगी भी या नहीं, सब कुछ आपका यहां पर फंडामेंटल हम क्लियर करने वाले हैं, चार टीमों के प्रॉपर नाम बताने वाले हैं। खैर, पहले बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी के अंदर आप देखेंगे अफगानिस्तान की टीम ने पहले श्रीलंका को हराया, उसके बाद बांग्लादेश जैसी टीम को भी ध्वस्त कर दिया। कुल मिलाकर कहें तो दोनों टीमों के खिलाफ अफगानिस्तान ने अच्छी जीत हासिल करी है। नेट रन रेट भारत से भी इनकी अच्छी है, 4 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है और क्वालिफिकेशन या फिर यूं कहें तो सुपर फोर में जगह बनाने वाली ये पहली टीम बन जाती है, यानी कि पहली टीम अफगानिस्तान है जिसने सुपर फोर में जगह बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब दूसरी टीम जो है वो कौन सी रहने वाली है, इसको लेकर सवालिया जो निशान था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ग्रुप ए में भारत ने जैसे ही हांगकांग को हराया, भारत की सुपर फोर में जगह पक्की हो जाती है। 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 4 पॉइंट इस टीम के पास में भी है। तो कुल मिलाकर हमें 2 सुपर फोर की टीमें तो मिल चुकी है, लेकिन बाकी 2 टीमों को लेकर बवाल कट रहा है। बाकी 2 टीमों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और कौन सी टीम है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। पहले बात करते हैं ग्रुप बी के अंदर, दूसरे पायदान पर बांग्लादेश है और तीसरे पायदान पर श्रीलंका है। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, इन दोनों में से जो जीतेगा वो बन जाएगा सुपर फोर का दावेदार, यानी कि सुपर फोर में उसकी एंट्री हो जाएगी और बांग्लादेश और श्रीलंका में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा लगती है श्रीलंकन क्रिकेट टीम की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से T20 में बहुत अच्छा खेल दिखाया है। भले ही अफगानिस्तान के खिलाफ हार गए हो, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ इसकी जीत तय लग रही है, इसलिए श्रीलंका को आप जगह दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ग्रुप ए के अंदर, पाकिस्तान के लिए आखिरी समीकरण बचा है, भारत के द्वारा छोड़ा गया ये समीकरण। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस ग्रुप में दूसरे पायदान पर है और हांगकांग तीसरे पायदान पर है। लेकिन अब बात करें अगर इन दोनों में से, तो 2 सितंबर को एक मुकाबला होगा पाकिस्तान और हांगकांग का, उसमें से जो टीम जीतेगी वो सुपर फोर में जगह बना लेगी, यानी कि ये एक और टीम निकल कर आएगी यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का पलड़ा हमें यहाँ पर भारी लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से भारत को भी कॉम्पीट किया, लेकिन हाँ ये देखने लायक ये भी बनेगा कि हांगकांग ने भी तो भारत को एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जीतेगा वो बनेगा, लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, इसीलिए ग्रुप ए के अंदर भारत और पाकिस्तान ये 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी सुपर फोर के लिए और इनका 4 सितंबर को एक महामुकाबला फिर से देखने को मिलेगा। तो वहीं पर बात करते हैं ग्रुप बी के अंदर, तो अफगानिस्तान तो है ही, लेकिन उसके साथ में श्रीलंका की टीम आप मान सकते हैं, देखते हैं बांग्लादेश क्या टक्कर दे पाता या नहीं। तो कुछ इस तरह से सुपर फोर की टीमें मिल रही है, इनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।